अयोध्या गुजरात के सूरत की प्रतिभा सिंह को आज अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण न्यास समिति का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने की घोषणा की गई। जानकी घाट बड़ा स्थान में आयोजित कार्यक्रम में राम जन्मभूमि निर्माण न्यास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत जनमेजय सरन ने इसकी घोषणा की और यह दायित्व सौंपा कि देश के कोने कोने में जाकर राम जन्मभूमि निर्माण के लिए महिलाओं को भी इस आंदोलन से जोड़ने की मुहिम को गति प्रदान करें। वहीं महंत जनमेजय सरन ने कहा कि अयोध्या में मंदिर तो बनना ही बनना है, बस अब वह समय आ गया है, जल्दी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। वहीं नव नियुक्त राष्ट्रीय महासचिव प्रतिभा सिंह ने कहा कि महिलाएं भी इस आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब अंतिम चरण में है, जल्दी इसका फैसला आ जाएगा। जी मैं राष्ट्रीय महासचिव पद पे मुझे निर्वाचित किया गया है और आप अभी भी आप रोल की ही बात कर रहे हैं, अब कोई रोल की बात नहीं रह गई है, अब तो राम ने हाँ संग हाँ, तो इसीलिए मैं हर जगह हर राज्य हर स्टेट में जाके मैं इसको और भी महिलाओं को जोड़ते हुए इसको जी इसको और भी मजबूत बना के संगठित करके ताकि जिस दिन हमारा न्यूज जिस दिन रखा जाए, हमारे राम नाम की ईंट जिस दिन रखी जाए, उस दिन उतना ही जलवा महिलाओं का भी हो। यहाँ नहीं नहीं मैंने ये शब्द नहीं कहा कि मैं महिलाओं को जोड़ रही हूँ आप जी मैंने ये शब्द नहीं कहा, मैं ये कह रही हूँ कि मैं गौरवान्वित हुई हूँ कि आज सोच इतनी बदल गई है कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य में, ऐसा कोई ये आज की बात नहीं है जी। देखिए सच सबसे बड़ी बात तो मुझे अपने न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास है और आज आप देख रहे हैं हमारे योगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनका काम देख रहे हैं और सबसे बड़े चाणक्य के रूप में आज जो अमित शाह जी उनके साथ जो ये दो जोड़ी काम कर रही है, जो 370 की धारा और 35A हटा सकती है और बहुत जल्दी हम ये पीओके भी ले लेंगे, जो चीजें आप देख रहे हो तो अब वो कहीं भी किसी बात का प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। उससे भी बड़ी न्याय प्रणाली जो हमारे ऊपर बैठी है जिनके लिए, ये तो कहने का है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। अरे उन्होंने हमको ये आज सौभाग्य दिया है कि हम राम जन्मभूमि के लिए कुछ करने जा रहे हैं। थैंक यू। देखिए हमको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब नहीं है। मंदिर निर्माण होगा शैली जो सर्वसम्मति से धर्माचार्यों के विषय है, अकेले हमारा विषय नहीं है। मैं अपेक्षा करता हूँ सारे धर्माचार्यों का मंतव्य एक सूत्र में पिरो दिया जाएगा, तभी तक गंगा यमुना कावेरी गोदावरी नर्मदा सरयू नदी भिन्न भिन्न नामों से तभी तक प्रवाहित हो रही है धरा में जब तक समुद्र में विलय नहीं कर गई। समुद्र में जाने के बाद ना कोई गंगा है ना कोई यमुना है ना कोई सरस्वती ना कावेरी ना सरयू ना ब्रह्मपुत्र ना नर्मदा, सब समुद्र हो जाती है। उसी प्रकार से श्री राम जी के नाम से, श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के नाम से सारे संगठन सारी शक्तियां और सारे विचारधाराएं एक सूत्र में आ जाएंगी और वो समय जल्दी आने वाला है। इसीलिए यहां से संदेश दिया जा रहा है कि जो नहीं जुड़ पाए हैं, जो बिछड़े हुए हैं वो भी एक संगठन के साथ में एक मार्ग में आकर ये मार्ग प्रशस्त करके श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की ओर हम जाएं। हमारे महिला शक्ति के बिना आगे काम नहीं बढ़ता, इसलिए राष्ट्रीय महासचिव के रूप में श्रीमती प्रतिभा जी सूरत से जो आई हैं, आज इनको पदभार देकर पूरे राष्ट्र को एक करने का दायित्व सौंपा गया है। ये जल्दी से जल्दी पूरे राष्ट्र इस सूत्र में पिरोकर और आगे मार्ग प्रशस्त करेगा। जय सिया।